नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं गुरुजी टेक वे। तो ये नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं आज नोटपैड के थ्रू कैसे हम लोग HTML वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे विंडोज 7 है, इसके अंदर हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट विंडो पे क्लिक करके नोटपैड यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। जो डिफॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है वो हम लोगों ने ओपन कर दिया है यहाँ पे। तो आपका नोटपैड कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ पे हम लोग कोडिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML, इसका फॉन्ट थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, डॉक टाइप डिक्लेरेशन। इसके बाद में यहाँ पे हमारा HTML टैग, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बोला था कि जो भी HTML टैगिंग होती है वहाँ पे ओपनिंग टैगिंग के बाद क्लोजिंग होना चाहिए, विच इज नेसेसरी फॉर सम टैग्स। तो यहाँ पे HTML ओपन किया, बॉडी सॉरी टैग, उसको क्लोज किया। इसके अंदर हमारा आता है हेड टैग। तो बेसिकली हेड टैग के अंदर हम लोग हमारा जो भी वेब पेज का टाइटल है वो दे सकते हैं, या फिर कोई भी मेटा इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हैं, या फिर कोई भी स्टाइलिंग हमें प्रोवाइड करना है। आगे वाले वीडियोस में वो एक्सप्लेन करूंगा मैं कि स्टाइलिंग एग्जैक्टली होता कैसे है, उसका वेब पेज को हम लोग अलग अलग कलर्स कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट्स कैसे बना सकते हैं, वो सब यूजिंग हम लोग स्टाइल्स यूज करते हैं, उसको हम लोग CSS बोलते हैं। वो हम लोग आगे आगे सीखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे हम लोग हेड टैग के अंदर टाइटल, टाइटल टैग ओपन, टाइटल टैग को क्लोज करना है। इसके अंदर हम लोग हमारे वेब पेज को टाइटल देंगे। ठीक है, उसके बाद हेड क्लोज होने के बाद हम लोग बॉडी टैग ओपन करेंगे। बॉडी टैग ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने हमारा स्ट्रक्चर जो है HTML का वो बना लिया है। इसके बाद अभी अभी जो भी कंटेंट हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करना है वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। सो मैंने जैसे बोला था H1 इज यूज फॉर, हम लोग हेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं H1 टैग। सबसे लार्जेस्ट हेडिंग जो भी रहेगा, सबसे बड़ा बोल्ड हेडिंग जो भी हमें देना है वो H1 में देना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 1, इससे थोड़ा छोटा हेडिंग मुझे देना है तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ H2/H2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2। तो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में डिफरेंस ये रहेगा कि हेडिंग 1 जो है वो साइज में ज्यादा बड़ा रहेगा H2 से कंपैरिजन में। ऐसे ही H1 से लेकर H6 तक हम लोग टोटल हेडिंग्स दे सकते हैं अलग अलग टाइप्स के। तो H6 जो रहेगा वो H1 से सबसे छोटा रहेगा, सबसे बड़ा जो हेडिंग रहेगा वो H1 रहेगा। H3, हेडिंग 3, H3 को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ऐसे ही मैं H4, H5, H6 कर देता हूँ। मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे H4, H5, H6, 4, 5, 6। टैग ओपनिंग में हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया 4, 5 एंड 6। ओके, तो हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। पहले इसको सेव कैसे करना है ये फाइल को हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है, मतलब ये फाइल फिलहाल सेव नहीं है। तो हम लोग इसको सेव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग फाइल के अंदर यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सपोज मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया, डेस्कटॉप पे मैंने इसका नाम दे दिया माय वेब पेज, तो भी आपको लिखना है। ठीक है, ये मेरे फाइल का नाम मैंने दे दिया है। अभी इसको मैंने जैसे बोला था ये HTML का है फाइल, इसके लिए हम लोग इसको एक्सटेंशन देंगे .html।
इसका मतलब ये कि हमारा जो भी सिस्टम है वो समझ जाएगा कि ये फाइल जो है वो HTML का स्ट्रक्चर यूज करके बनाया हुआ है और इसको हम लोग सिस्टम ब्राउजर पे ओपन करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको फाइल का फॉर्मेट में डॉट एक्सटेंशन दिया है HTML और मैंने इसको सेव कर दिया। तो जैसे मैंने सेव कर दिया मेरे फाइल का नाम यहाँ पे आ गया, माय वेब पेज। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, मेरे डेस्कटॉप पे आया, मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे वो फाइल जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसके सिंबल में ऊपर दिखेगा। तो बिकॉज इट इज अ HTML फाइल तो हम लोग इसको सिंपली ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो वो ब्राउजर में जाके ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे वो ओपन हो चुका है। तो जहाँ यहाँ पे मैंने टाइटल में जो भी लिखा था माय वेब पेज, वो मेरे टाइटल हो गया मेरे वेब पेज का। यहाँ पे आप देख सकते हो माय वेब पेज करके टाइटल लिखा आ रहा है। तो आप जो भी टाइटल में दोगे यहाँ पे ये टैब पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों ने बॉडी टैग के अंदर H1 से लेके H6 तक हम लोगों ने अलग अलग हेडिंग्स लिखी थी, तो कुछ इस तरह वो हेडिंग्स डिस्प्ले हो जाएंगे। जो भी आपको आपके रिक्वायर्ड वेब पेज के लिए आपको यूज करना है आप H1 से लेकर H6 तक यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि H6 तक ही क्यों, H6 H7 अगर मैंने दिया तो क्या होगा? तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे H7 डाल दिया, सपोज मैंने यहाँ पे H7 कर दिया, यहाँ पे H7 कर दिया और H7 टैग, जबकि HTML में H7 ऐसा टैग है ही नहीं, तो सिस्टम उसको बाय डिफॉल्ट एज नॉर्मल टेक्स्ट ऐसे कंसीडर करेगा और नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वो दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसको अगेन सेव कर दिया, कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो, कंट्रोल एस दबा दिया मैंने, उसको मिनिमाइज कर दिया और पेज को आके जस्ट रिफ्रेश कर दिया। तो देख सकते हैं आप ये कोई हेडिंग नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट जैसा उसने डिस्प्ले कर दिया। तो HTML में H7 ऐसा टैग होता ही नहीं है, H1 से लेकर H6 तक ही टैग होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट उतने ही टैग यूज करेगा। अगर आपने गलती से कुछ दूसरा टैग यूज करना चाहा तो वो सिर्फ नॉर्मली टेक्स्ट ही दिखाएगा। तो अगर मुझे पर्टिकुलर लाइन को अगर सेंटर में लेना है, सपोज हेडिंग है मेरा H1 को मुझे सेंटर में लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास HTML में है एक टैग, उसको बोलते हैं सेंटर टैग। तो सेंटर टैग मैंने इसके पहले लिखना है और इसके बाद मुझे वो सेंटर टैग को क्लोज करना है कुछ इस तरह। तो जो भी सेंटर टैग के बीच में रहेगा वो कंटेंट आपको वेब पेज के सेंटर में दिखाई देगा। देखते हैं इसको भी हम लोग, मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस से, हम लोग फिर से हमारे ब्राउजर पे गए, पेज को जस्ट सिंपली रिफ्रेश कर दिया, तो ये मेरा हेडिंग जो है वो सेंटर में आ चुका है। ऐसे अगर मुझे सारे हेडिंग्स को अगर सेंटर में लाना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, ये सेंटर टैग को ओपन तो स्टार्टिंग में करना है और क्लोज मुझे यहाँ पे लास्ट में करना है। मतलब सेंटर टैग ओपनिंग और सेंटर टैग क्लोजिंग के बीच में जो भी मेरा डेटा रहेगा, जो भी मेरा टेक्स्ट रहेगा, वो पूरा का पूरा वेब पेज के सेंटर में चला जाएगा। देखते इसका आउटपुट, मैंने सेव कर दिया, इसको मिनिमाइज किया और पेज को आके जस्ट रिफ्रेश कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो डेटा है, जो भी टेक्स्ट है, वो पूरा सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अभी इसके बाद पैराग्राफ टैग भी हम लोगों ने देखा था, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग का भी एक्सप्लेनेशन देता हूं। एक्सप्लेनेशन ओके, पैराग्राफ के लिए हम लोग पी टैग यूज करते हैं /p। और एक जरूरी बात दोस्तों, ये जो HTML कोडिंग जो है हम लोग स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है या फिर स्मॉल लेटर में ही लिखना है, तो HTML में टैगिंग में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आप सिर्फ स्मॉल में ही लिखो या फिर कैपिटल में लिखो। आप ये टैग को कैपिटलाइज भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल ले लिया और यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, जरा इसको हम लोग पैराग्राफ जैसा बना लेते हैं। कोई भी आप जो भी आपको पैराग्राफ डिस्प्ले करना है, कंटेंट करना है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आपके वेब पेज पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ।
ठीक है, कुछ इस तरह मैंने उसको कंटेंट को लिख दिया पैराग्राफ में और सेव कर दिया। फिर से हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे और जस्ट रिफ्रेश कर देंगे तो मेरा ये कुछ इस तरह पैराग्राफ लिख के आ जाएगा। अगर मुझे नेक्स्ट और कुछ पैराग्राफ लिखना है तो मैंने फिर से पी टैग को ओपन करना है, उसके अंदर आपको जो भी पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ लिखना है वो लिख दीजिए, सिंपली क्लोज कर दीजिए, आप यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दीजिए, सेकंड पैराग्राफ आपका चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर मुझे पैराग्राफ के अंदर ही पर्टिकुलर कंटेंट जो है मुझे न्यू लाइन से चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी HTML में टैग है। सपोज मुझे सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ दिस इज पैराग्राफ इतना ही कंटेंट फर्स्ट लाइन पे चाहिए और आगे का पूरा कंटेंट मुझे न्यू लाइन पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली आके एक टैग लिख दूंगा, उसको बोलते हैं BR टैग। BR टैग का मीनिंग होता है ब्रेक द लाइन, BR मतलब ब्रेक। तो ये क्या करेगा, सिंपली जो लाइन चल रहा है उसको बीच में ब्रेक करेगा और आगे का कंटेंट जो भी डेटा है वो आगे नेक्स्ट लाइन पे लिख देगा। सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे आया रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हो कि ये सेकेंड पैराग्राफ में मेरा सिर्फ इतना ही डेटा, इतना ही टेक्स्ट मेरा फर्स्ट लाइन पे है और आगे का जो भी BR के आगे का जो भी डेटा है वो मेरा नेक्स्ट लाइन पे चला गया। तो हम लोगों ने आज ये सीखा सेंटर टैग क्या होता है, हेडिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है, किस तरह लाइन को ब्रेक करना है, किस तरह HTML का स्ट्रक्चर होता है, टाइटल किधर दिखता है और नोटपैड के थ्रू हम लोग वेब पेज कैसे बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।